तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तो तब है ना जब आपको स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है। आपको जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख के नजर आ रहा होगा कि ये 3 sin θ - 4 sin³θ होता तो sin³θ का फॉर्मूला होता। ऐसे cos³θ का फॉर्मूला होता है कि 4x 4 cos³θ - 3 cos θ। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। तो जब भी आपको प्रूफ करना होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो करस्पॉन्डिंग आपको एल्जेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री याद आनी चाहिए। खैर, तो हम क्या उठा लेते हैं, RHS उठा लेते हैं, RHS से LHS प्रूफ करेंगे। तो RHS क्या है आपका, है साइन इनवर्स 3x - 4x³, है ना। अच्छा, बाद में ये समझ में आता है ये क्यों दिया रहता है, ये क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए होता है ना, और इसका आप कहीं स्टेप में कोई जस्टिफिकेशन देते नहीं हो। अगर आपको जानना है तो हम आपको लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी कायदे से उसे एक्सप्लेन किया है कि वो चीज़ क्यों दी गई होती है। खैर, यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि मुझे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही थी साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, 3 sin θ - 4 sin³θ। तो दैट बिकम साइन इनवर्स ऑफ 3 sin θ - 4 sin³θ एंड इट बिकम sin³θ, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा लिख सकते हैं, तो इट बिकम रिटन एज ए 3θ। और थीटा क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3 sin inverse of x, which is equals to LHS। प्रूफ हो गया।